Question number 89. A source meeting a sound of frequency nu naught is placed at a large distance from an observer. कोई सोर्स दिया हुआ है और वो ऑब्जर्वर से लार्ज डिस्टेंस पे है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है न्यू नोट है, तो टाइम पीरियड है वो किसके रखा, फ्रीक्वेंसी का उल्टा होगा। द सोर्स स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड ऑब्जर्वर विद एन एक्सेलरेशन ए नोट, ए एक्सेलरेशन ए से इधर जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें सोर्स अब तक वेलोसिटी दी होती थी आरएस्ट के बाद, अब की बार सोर्स जो है का कुछ एक्सेलरेशन दिया हुआ है। फाइंड द फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर कोरस्पोंडिंग टू द वेव एमिटेड जस्ट आफ्टर द सोर्स स्टार्ट्स, कि जस्ट आफ्टर द सोर्स जहाँ से स्टार्ट करता है टी इज इक्वल टू जीरो, उसको टी जीरो मान लेते हैं, तो फ्रिक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर बतानी है। स्पीड ऑफ द साउंड इन मीडियम इज वी एस, डिस्टिंग्विश करने के लिए हमने वी एस लिख दिया है यहाँ पे, साउंड की वेलोसिटी को, फ्रीक्वेंसी को न्यू नोट लिख दिया है, टाइम पीरियड क्या होगा फ्रीक्वेंसी का उल्टा होता है। चलो हम देखते हैं क्वेश्चन को, सब क्वेश्चनों से हटके क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि फर्स्ट सिग्नल जो है टी इज इक्वल टू नोट पे निकल रहा है और साउंड की स्पीड टी है, इस सिग्नल को ऑब्जर्वर तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सपोज टी टाइम लग रहा है सिग्नल तक पहुँचने में, ऑब्जर्वर तक पहुंचने में सिग्नल को टी टाइम लग रहा है, डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टी, वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टी वो डिस्टेंस कवर हो जाएगी। अब दूसरा सिग्नल जो है टी टाइम के बाद, टी नोट टाइम के बाद रिलीज होगा जो, तो टी नोट टाइम में ये जो सोर्स है वो कितनी डिस्टेंस तय कर लेगा, हाफ ए टी नोट का स्क्वायर एस इज इक्वल टू हाफ ए नोट टी स्क्वेयर, तो इतनी डिस्टेंस पे जाके एक सिग्नल जो है वो क्या होगा प्रोड्यूस होगा सेकंड सिग्नल, और इसको यहाँ तक पहुँचने में ऑब्जर्वर तक पहुँचने में डेल्टा टी टाइम लग रहा है, तो हम ये वाली डिस्टेंस निकालने कितनी होगी, डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है तो वी एस इंटू टी है, ये वाली डिस्टेंस इसमें से घटा दें यानी माइनस हाफ ए टी नोट का स्क्वेयर जो है घटा दें, तो ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आ जाएगी, और इसको स्पीड से डिवाइड कर दें साउंड की जो स्पीड है वी एस है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब पहुँचेगा तो कितना टाइम हो चुका होगा वाच में, तो डेल्टा टी नोट तो यहाँ से जीरो से, जब जीरो से टी नोट तक यहाँ तक आया, यहाँ पे सिग्नल प्रोड्यूस हुआ, फिर डेल्टा टी उसने और टाइम लिया, तो सेकंड सिग्नल जो है टी नोट प्लस डेल्टा टी पे मिला ऑब्जर्वर को, फर्स्ट जो है टी पे मिला था, तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस जो है वो कितना होगा, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स। वो किसके बाद टी नोट प्लस डेल्टा टी माइनस टी इसके बराबर होगा, टी नोट प्लस डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो किसके बराबर है वी एस टी माइनस हाफ ए टी नोट का स्क्वायर अपॉन वी एस माइनस टी इसके बराबर होगा, इसको अलग अलग कर देते हैं, अलग अलग करें तो टी नोट प्लस टी माइनस हाफ ए टी नोट का स्क्वायर अपॉन वी एस इसके बराबर होगा। और माइनस टी भी है, इस टी से ये जो टी कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट जो टाइम इंटरवल बिटवीन टू सिग्नल्स वो क्या होगा इसके बराबर होगा, फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी लिख लो, वो किसके बराबर होगी वन ऑफ द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सिग्नल्स
टाइम इंटरवल का अपोजिट होगी। तो इसका उल्टा करना है तो पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। वी एस इंटू टी नॉट माइनस हाफ ए टी नॉट का स्क्वायर अपॉन वी एस, इसके बराबर होगा। हमारे पास टाइम इंटरवल है, टाइम पीरियड को वन अपॉन फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं, तो टर्म हो जाएगी ये जो टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स तो वी एस की जगह हमने वन अपॉन न्यू नोट लिख दिया, वन बाय टू ए वन अपॉन न्यू नोट का स्क्वायर अपॉन वी एस। ये इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको ये हो जाएगा ऊपर टू वी एस न्यू नोट माइनस ए अपॉन टू वी एस वी नोट का स्क्वायर, इसके बराबर हो जाएगा टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल्स। अब अपीयरेंट फ्रीक्वेंसी वो किसके बराबर है, वन ऑफ द टाइम पीरियड, टाइम डिफरेंस बिटवीन टू सिग्नल। उसको भी क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड का उल्टा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये किसके बराबर होगी, टू वी एस न्यू नोट का स्क्वायर अपॉन टू वी एस न्यू नोट माइनस ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।